तो फिर से मैं पूछता हूं वही कि डिजिटल इंडिया सुन के आपको कैसा लगता है जी, जरा बताइए आप लोग। नहीं बताएंगे क्या? बताइए, डिजिटल इंडिया आपको सुन के कैसा लगता है? अच्छा लगता है। चलिए, डिजिटल इंडिया आपको जब सुन के अच्छा लगता है तो ये कितना अच्छा है मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा। ये एक आईपी एड्रेस है, राइट? एक किस क्लास का आईपी है जरा आप लोग बताइए। थोड़ा आसान मैं बनाता हूं। अब इसको बता दीजिए कौन सा आईपी है, ये तो बता ही देंगे आप। नहीं मालूम? देखिए, बी क्लास का आईपी है ये। चलिए जी, मैं पहले भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूं, किताब का ज्ञान और गाढ़ा हुआ धन किसी काम का नहीं होता। आज के मॉडर्न तरीके से अगर मैं बोलूं तो आपने किसी को उधार दे दिया है पैसा, तो उसका उम्मीद आप मत रखिए। आपने कुछ नोट्स बना के रख लिया है तो आपके काम में नहीं आने वाला है मौके में। आपको याद होना चाहिए 126 जो है ए क्लास का आईपी होगा। क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को? लग रहा है 126 जो है ए क्लास का आईपी होगा। आप जो भी पढ़ते हैं उसका आपको अनुकरण करना चाहिए, वो आपके रक्त में होनी चाहिए। आपने महाभारत देखा है? आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं मैं। दुर्योधन, सारे लोग तो महाभारत में जितने लोग थे, पांचों पांडव बाकी दुर्योधन सब लोग तो गुरुकुल में पढ़ते थे, आप सब जानते हैं। तो छुट्टी होने का समय था, छुट्टी होने वाला था, तो जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि आप ये जो है क्लास, आप इतना इतना चैप्टर पढ़ के आना, ठीक है? सभी लोगों ने बोला हाँ पढ़ के आऊंगा मैं। पढ़ के लोग आए, ठीक है। तो हुआ ये कि सब लोग जब आए पढ़ के तो सबसे पूछा गया तुम कितना याद किए, सबने बताया मैं इतना पाठ याद किया, मैंने इतना पाठ याद किया, मैंने इतना याद कर लिया, ठीक है। युधिष्ठिर से जब पूछा गया तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जी मैं तो दो ही बात याद कर पाया हूं अभी तक। गुरु जी ने दो झापड़ लगा दिया। अब सच नहीं है कि उन्होंने दो ही झापड़ लगाया होगा, ठीक है, हो सकता है तीन झापड़ भी हो, ठीक है, एक झापड़ भी हो। फिर पूछा ठीक है बताओ कौन कौन सा बात याद है दो ठो। तो बोला कि सर मैंने दो बात तो याद करा था लेकिन एक बात भूल गया। गुरु जी और लाल पीले हो गए, बोले अच्छा बताओ। तो बताया युधिष्ठिर ने, पहला बात ये था कि सत्य बोलो, इसीलिए मैं सत्य बोलूंगा आज से, प्रण लेता हूं मैं, तो ये बात मैंने याद किया है, सत्य बोलूंगा मैं। दूसरा बात ये है कि क्रोध ना करो, लेकिन आपने मुझे मार दिया तो मैंने भूल गया, क्योंकि मुझे क्रोध हो गया, आपने मारा मुझे गुस्सा आया तो मैं भूल गया ये बात कि क्रोध ना करो। मैंने याद रखा था कि क्रोध नहीं करना चाहिए पर आपने मार दिया, मैंने भूल गया ये बात, क्रोध किया तो भूल गया। मतलब कहने का ये है युधिष्ठिर का कि जो आप पढ़ते हैं उसका अनुकरण करिए आप। युधिष्ठिर ने फिर कहा कि याद करने को तो मुझे सारा पाठ याद है लेकिन अनुकरण मैं इन दो ही चीजों को कर पाया हूं। गुरु जी को बहुत ज्यादा गर्व फील होने लगा खुद पे, ठीक है। तो आप भी अगर पढ़ते हैं तो युधिष्ठिर की तरह पढ़िए, आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। किताब का ज्ञान गाढ़ा हुआ धन काम में नहीं आता। आज के मॉडर्न तरीके से अगर मैं कहूं तो आपने कुछ नोट्स बना के रखा है, वो नोट्स में ही लिखा रह जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आपके काम में नहीं आएंगे। आपने उधार दे रखा है किसी को धन, तो हो सकता है मौके पे वक्त पे काम ना आए, तो आप याद रखिएगा ये बातें, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझते हैं, क्या होता है, क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा डिजिटल इंडिया बहुत अच्छा लगता है हमें सुनने में, ठीक है। तो थोड़ा एक दो स्टोरी आपको मैं सुनाऊं,
तो जो लुटेरे होते हैं इनका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा कहां से मैं बना लूं। ठीक है, पहले का समय था चोर आपका पीछा, आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, बस से सफर कर रहे हैं, चोर आपका पीछा करता, आप सो जाते, जेब काट लेता और लेके चला जाता, तो आपको सुरक्षा करने का जरूरत होता था। ठीक है, पहले के समय थे ऐसे होते थे, लेकिन आज के समय ये है कि घर में ही बैठे एक बार बटन दबाएगा और आपके बैंक के पैसे जीरो हो जाएंगे। आपको फोन करेगा, कहेगा जी मैं फलाने ढिमा के बैंक से बात कर रहा हूं, तो आपका कार्ड नंबर एक्टिवेट करना है, तो ये करना है, तो वो करना है, कि जरा कार्ड डिटेल बताना, आप भी बड़ा इंटरेस्ट से बता देंगे कार्ड डिटेल्स और आपका जीरो रुपए कर देगा। आखिरी में पूछ लेगा जी ओटीपी बताना, वेरिफिकेशन करूंगा। आपने जैसे ही ओटीपी बताया आपका अकाउंट का पैसा खत्म हो गया। आपको फोन लगाया, आपको कहा, आपका नाम बताया, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ बता दिया, आपको आपका मोबाइल नंबर बता देगा, ईमेल एड्रेस बता देगा, फिर कुछ पूछेगा आपसे जानकारी। ठीक है, तो आप कहेंगे सच में ये बैंक से बात कर रहा होगा तभी इतना मेरे बारे में इसको जानकारी है, और फिर आप उसको यकीन करेंगे और आपको हैक कर लेगा। आपको फोन करेगा, कहेगा आपको पेटीएम के तरफ से इतना ऑफर मिला है। भैया पेटीएम मेरे को काई को फोन करने लगा, उसके पास दूसरा कुछ कामदाम नहीं है क्या? आपको फोन करेगा पेटीएम और कहेगा जी, पेटीएम का एम्प्लॉय और कहेगा जी ऐसे ऐसे आप करो तो आपको पैसे मिल जाएंगे, और आपको पता चला कि आपने वैसे वैसे किया, एक बार बटन पे क्लिक कर दिया और आपके पेटीएम का पैसा खाली हो गया। इन सब से आपको सचेत रहना है। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाएगा, बोला जाएगा कि मैं आपका पड़ोसी बात कर रहा हूं, मैं बहुत मुसीबत में हूं, मुझे कुछ पैसे का जरूरत है, क्योंकि वो जानता है कि आप को मौका मिलता है किसी को मदद करने का तो आप वो मौका छोड़ते नहीं हैं। वो जानता है आपके बारे में ये बातें, तो जैसे ही कहेगा मैं परेशान हूं, आप कहेंगे जी कुछ पैसे का जरूरत है, तो आप कहेंगे अपना खाता नंबर दे दो, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। वो खाता नंबर देगा और आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे, और फिर वो कोई और व्यक्ति रहेगा। ठीक है, और जैसे ही पैसा ट्रांसफर होगा फिर वो आपसे बात नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं होगा, आप हैक हो गए। कुछ रियल टाइम का इस तरह का घटनाएं हुए हैं, कुछ लोगों का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया और फिर उनको मैसेजेस किए गए कि मुझे कुछ पैसे का जरूरत है, और पैसे जैसे ही आप ट्रांसफर कर देंगे किसी और को मिल जाएगा। ये हैकिंग होता कैसे है? आपने कुछ शॉपिंग करा, एटीएम का डिटेल डाला, कुकीज में सेव हो गया और डेटा निकाल लिया गया। आपने अपना पासवर्ड रखा है, अपना मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ बर्थ @name, कुछ इस तरह का आपने अपना पासवर्ड रखा है। फेसबुक पे जो अकाउंट बनाया है आपने ईमेल एड्रेस के थ्रू बनाया है, तो ईमेल एड्रेस आप डाल के लॉग इन करते हैं, मोबाइल नंबर आपने पासवर्ड में रखा है और उसी मोबाइल नंबर से सबको फोन करते हैं, किसी ने गेस कर लिया और जैसे ही फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया, लॉगिन हो गया क्योंकि आपका मोबाइल नंबर ही पासवर्ड था, और आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर गया। और आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया तो सब कुछ हैक हो गया। तो क्या होता है सर, फेसबुक अकाउंट हैक करने? बहुत कुछ हो जाएगा। आप अपना पासवर्ड, अपना डेट ऑफ बर्थ तो रखते हैं, आपका नाम और @ आपका डेट ऑफ बर्थ, ऐसा तो होता है, पासवर्ड मैक्सिमम लोग रखते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपके फेसबुक को मालूम है, और मैंने आपका फेसबुक अकाउंट हैक करा तो आपका डेट ऑफ बर्थ मैं जान जाऊंगा। आपको आपके बारे में नहीं मालूम है, उससे कहीं ज्यादा आपके बारे में फेसबुक को मालूम है, आप अपना डेटा फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं, आपने पूरा फोटोग्राफ्स अपना अपलोड कर दिया है फेसबुक पे, आप कहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं, किस जगह काम करते हैं, किस पद पे हैं, कितने दिन से हैं, आपकी क्या काबिलियत है, आपका इंटरेस्ट क्या है, किस रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, आपने सब कुछ फेसबुक को बता दिया, सब डाल देते हैं। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, फेसबुक आपको नहीं कहता कि आप डालिए,
आपने जो डेटा डाला वो डेटा मार्केटिंग कंपनी को, एडवर्टाइजमेंट कंपनी को डेटा को बेच करके पैसा ले लेगा। आपने डेट ऑफ बर्थ और नाम एड्रेस सब तो अलग अलग गलत भी डाल सकते हैं ना। गलत डाल सकते हैं पर डालता कौन है? समझदार लोग कितने हैं मार्केट में या देश में? आपको मालूम है ये बातें कितने लोग हैं, तो ये डालना नहीं चाहिए। तो ऐसा आप ना करें, ठीक है? तो इन सबसे बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की थोड़ी समझ होनी चाहिए, ठीक है? इसीलिए हमको थोड़ी समझ होनी चाहिए, हमें क्या क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए। ये मैंने कुछ बनाया था काफी पहले, ठीक है? तो मैं एक एक ठो नाम को पढ़ पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है? इसमें मैंने एक टॉपिक जो है भूल गया हूं, एक टॉपिक इसमें लिखना, आप पूछना मेरे से आखिरी में, मैं बताऊंगा वो टॉपिक क्या है, ठीक है? इसमें पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी में पूरा आपको एथिकल हैकिंग का चैप्टर नहीं बता रहा हूं, ठीक है? हैकिंग किसे कहते हैं? आपने जैसा कहा कि किसी को कंट्रोल करना, ठीक है? जैसे मैंने फिर कहा कि आप किसी को कंट्रोल करते हैं बिना परमिशन के तो हैकिंग कहलाएगा, चाहे इंसान हो या कंप्यूटर। मैंने आपका पड़ोसी होने का, आपका मित्र होने का फेसबुक पे दावा किया, आपका विश्वास जीता और फिर मैंने आपको हैक कर लिया। एक कंप्यूटर हैक नहीं हुआ, आप खुद हैक हो गए। और इस तरह का हैकिंग करना बहुत बड़ा क्राइम है। इस तरह का अगर कोई हैक करता है तो किसी का विश्वास के साथ खेलता है, धोखा देता है, तो जो धोखा खाता है व्यक्ति, वो व्यक्ति दोबारा विश्वास नहीं करता किसी के ऊपर। आपको मालूम है जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिमाग वाले जम के उनका फायदा उठाते हैं, फल स्वरूप जो दिल का अच्छा होता है वो आखिरी में दिल का बुरा बन जाता है। और फिर हम कहते हैं ये सारे लोग खराब लोग हैं, ये सारे बुरे लोग हैं। बुरा लोग नहीं है, उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया कि वो बुरा बन गया। तो ठीक उसी तरह से सामने वाला हेल्पिंग नेचर का था, आपने उसके हेल्पिंग नेचर के साथ खिलवाड़ किया, फेसबुक अकाउंट हैक करके आपने पैसे मांगे उससे और आखिरी में वो हेल्प करना बंद कर दिया। इस तरह से आप एक व्यक्ति का नेचर जो था हेल्पिंग का वो खत्म कर दिया और दोबारा वो किसी का मदद नहीं करेगा। इस तरह से आप एक हेल्पिंग नेचर वाले इंसान को मार डाला। और यही प्रक्रिया बार बार होगा तो आपके देश में मदद करने वाले व्यक्ति रहेंगे ही नहीं, आपका पूरा देश सेल्फिश बन जाएगा, मदद करना नहीं चाहेगा कभी। इसलिए इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा देशद्रोह है। क्योंकि बहुत अच्छा एक तरीका है कि जो जरूरतमंद है उनको मदद करना चाहिए, लेकिन आपने तो इसका गलत इस्तेमाल करके आप कैरेक्टर ही खत्म कर देते हैं, तो ये गलत है, इसका विरोध करना चाहिए। आते हूं मैं इस पे, ठीक है? नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें पहला लिखा हुआ है डोंट यूज पब्लिक वाईफाई। आप ट्रेन में जाएं, प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे, मैं ट्रेन पे सफर किया नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन माना बोला जाता है, लोग कहते हैं कि प्लेटफॉर्म वगैरह पे पब्लिक वाईफाई फ्री में मिलता है, उस पब्लिक वाईफाई को आप फ्री में मत यूज करो। उस पब्लिक वाईफाई को यूज आप करेंगे तो आप उस नेटवर्क में कनेक्ट होंगे और उस नेटवर्क में जो भी कनेक्ट होगा वो सारे हैक हो सकते हैं, ठीक है? आपको मैंने बताया था कि HTTP प्रोटोकॉल से डेटा वगैरह लीक हो जाता है, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, जो है अभी तो नहीं कर सकता, थोड़ी देर बाद कर दूंगा। अभी टाइम कितना हो गया जी? 12:56 हो गया और इसमें 7, टाइम गलत है शायद मेरा, डेट तो 28 सही है, टाइम गलत है मेरा, ठीक है? तो पब्लिक वाईफाई आपने यूज किया तो आपने उस नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, और उसी नेटवर्क में अगर कोई हैकर टाइप का आदमी है, उठपटांग दिमाग वाला आदमी है, तो आपके मोबाइल को एक्सेस कर लेगा। इसलिए आप पब्लिक वाईफाई को यूज ना करें। एक्सेस कैसे किया जाता है ये तो थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन हो जाता है, ये बात आप मान लें, सोच लें, जान लें,
तो आप कनेक्ट ना करें, थोड़े से इंटरनेट के कारण आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाए, आपके मोबाइल में पता नहीं क्या क्या दस्तावेज है, मार्कशीट रखे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, पता नहीं क्या क्या है, तो उतना जानकारी कोई ले लेगा वो आपके लिए खतरा है, ठीक है। दूसरा, डोंट शेयर हॉटस्पॉट एंड ब्रॉडबैंड, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। आप किसी को अपना हॉटस्पॉट शेयर ना करें या किसी का वाईफाई को लेकर के आप यूज ना करें, क्यों जी? वो इसलिए कि आपने हॉटस्पॉट ऑन करा तो आप अपना नेटवर्क उसको दिए तो आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, मतलब आप और दूसरा व्यक्ति सेम नेटवर्क से कनेक्ट है, तो सेम नेटवर्क से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो हैकिंग करना पॉसिबल हो जाता है, उसका डेटा आप ले सकते हैं, आपका डेटा वो ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है आप काम ना करें। दूसरा, सिस्टम सिक्योरिटी है। आप मोबाइल में या कंप्यूटर्स में एंटीवायरस अगर यूज करते हैं तो आप जेन्युइनली करें, खरीदा हुआ करें, आप फ्री का ना यूज करें। हो सकता है फ्री का आपने यूज किया और वो वायरस की तरह काम करने लगा, पूरा स्पाईवेयर बन गया, कंप्यूटर्स को स्लो कर दिया, क्योंकि उसका कोई माई बाप नहीं है जी, आप किसको कंप्लेन करेंगे, ठीक है। और जेन्युइन एंटीवायरस रहेगा तो आप दावा करें कि मैंने खरीदा था, ठीक है। अगला है इनक्रिप्ट फाइल। आप फाइल वगैरह को लॉक करके रखें, जैसे पीडीएफ फाइल में प्रोटेक्शन लग जाता है, जैसे कुछ फोल्डर्स वगैरह को लॉक करना है तो आप जिप फाइल में बना के प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। जिप फाइल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, पीडीएफ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, जो है विंडोज तो मैंने खत्म कर दिया पर बताया नहीं, भूल गया, मैं आपको बता दूंगा कल, ठीक है। उसके बाद है लॉक योर कंप्यूटर। इसका क्या मतलब है, आप जैसे मैं मेरा एक कंप्यूटर में चला रहा हूँ, ठीक है, कुछ काम आ गया जरूरी, मैं उठ के चला गया, मेरे जाने के बाद तो कोई भी मेरा कंप्यूटर ऑपरेट कर लेगा ना, इससे बेहतर है कि मैं कंप्यूटर को लॉक करके जाऊं, जैसे विंडोज एल दबाऊंगा मेरा कंप्यूटर लॉक हो जाएगा विंडोज, ठीक है। तो आप लॉक करके जाया करें, ठीक है, इससे कि सिक्योर रहेगा, कोई और नहीं चलाएगा। अगला इसमें लिखा हुआ हूं मैं डिसेबल रिमूवल डिस्क, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ, जैसे मान लीजिए मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, माई कंप्यूटर में क्लिक करता हूँ, ये मेरा नोकिया का कुछ शो कर रहा है ना, मेमोरी कार्ड वगैरह इसमें, ओ नो, ठीक है, शो कर रहा है मेरा ये पूरा, ठीक है, मैं निकाल देता हूँ इसको, तो इसी तरह से पेन ड्राइव वगैरह भी तो शो करेगा, क्यों, पेन ड्राइव वगैरह भी लगाऊंगा तो शो करेगा, और हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो जो कि अपना पेन ड्राइव को ऑटो प्ले वगैरह का बना दिया हो, ऑटो रन का पेन ड्राइव बना दिया हो, कि पेन ड्राइव वो जैसे ही लगाएगा आपके कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर अपने आप पेन ड्राइव में जो प्रोग्राम होगा, बैच वगैरह का स्क्रिप्ट होगा, वो अपने आप रन हो जाएगा और वो कुछ कुछ आपका फाइल डिलीट कर दे, कुछ कॉपी कर दे पेन ड्राइव में, ऐसा तो हो सकता है ना, इसलिए आप कोई भी पेन ड्राइव ना लगाएं अपने कंप्यूटर्स वगैरह में। या बहुत अच्छा होगा कि जो रिमूवल डिस्क इधर है इसी को आप डिसेबल कर दें। ये डिसेबल कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा, पूछ लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है ऑलवेज डिलीट कुकीज। इसका क्या मतलब है, जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो जरूरी नहीं है कि आप डिलीट कर दें, लेकिन आप पब्लिक इंटरनेट कैफे वगैरह में जाके आप कुछ नेटवर्क यूज करते हैं, कुछ लॉगिन वगैरह करते हैं, तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए गलती से आपने सेव कर दिया पासवर्ड, तो ब्राउजर में वो स्टोर हो जाएगा जी, ठीक है, ब्राउजर में आपको मिल जाएगा पासवर्ड कहां पे स्टोर होता है, ठीक है, तो ब्राउजर में वो स्टोर हो जाएगा पासवर्ड, ठीक है, तो कोई भी बंदा फिर उस पासवर्ड को देख सकता है, ठीक, देख लेगा वो पासवर्ड, ठीक है, कैसे देखेगा, बड़ा आसान काम है क्रोम का पासवर्ड देखना, ठीक है, देख सकता है कोई भी आपका क्रोम का पासवर्ड, कि क्रोम में आपका क्या क्या पासवर्ड आपने सेव करके रखा है, ठीक है, बहुत आसानी के साथ देख लेगा, ठीक है, ये पासवर्ड आप भी देख सकते हैं, ठीक, कैसे देखा जाएगा मैं आपको बता दूंगा जो है, ठीक है, ये पूरा ना मैं आपको बता दूंगा जो है बाद में कैसे देखा जाएगा, ठीक है, मेरे में तो है ही नहीं कुछ, तो मैं दिखाऊंगा क्या आपको, ठीक है, तो देख सकता है, इसीलिए आप क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाएं ब्राउजर में, ठीक है। अब यहां पे आ गया ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज, पासवर्ड, ये देखिए पासवर्ड में मैंने कुछ भी सेव करके रखा ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मेरे में तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन इन सभी को जो है छोड़, बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है कंप्यूटर चलाने के बाद, इन सबको क्लीन करके रख दें आप,
ठीक है ठीक। तो आप इन सबको क्लीन करके जाए, अगर आप कोई नेट कैफे वगैरह में जा करके यूज करते हैं तो ठीक है जी। इतना तो आपको समझ हो गया, ठीक है चलिए। इसके बाद आगे क्या है जी, इसमें लिखा हुआ है ऑलवेज स्टोर सेंसिटिव फाइल पर्सनल फाइल स्टोरेज डिवाइस। हो सकता है अब मेरा अंग्रेजी सही नहीं है, आपको मालूम है ये क्या लिखा है, हो सकता है मेरा करेक्ट ना हो ये लिखा हुआ अंग्रेजी में जो लिखा हूं मैं, ठीक है। पर इसका कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या करें जी, आप उसको पर्सनल, आपका जो पेन ड्राइव वगैरह है या मेमोरी कार्ड वगैरह है, ठीक है, उसको अपने पर्सनल पेन ड्राइव में या फिर मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रखें, ठीक है, पर्सनल मेमोरी कार्ड वगैरह में रखें। क्यों जी, दूसरे का किसी का उधार लेके क्यों ना रखें। आपने अगर उधार लेके रखा है ना तो हो सकता है कि वो हैक हो जाए। कैसे, आप कहेंगे जी मैं तो डिलीट कर दूंगा, मुझे डिलीट करना आता है, ठीक। आपको जान करके हैरानी होगा कि आप कुछ भी फाइल से फाइल वगैरह आप डिलीट करते हैं, ठीक, तो डिलीट नहीं होता है, वो कंप्यूटर में ही रहता है, ठीक है। कुछ थर्ड पार्टी वगैरह सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके आप जो डिलीट हुआ है फाइल उसको रिकवर कर सकते हैं, रिसाइकल बिन से भी अगर आप डिलीट करते हैं तो भी वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि वो परमानेंट जो है डिलीट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा काम करिए कि पेन ड्राइव में कोई भी डेटा आपने रखा है, ठीक है, उसको आप डिलीट करिए, और फिर क्या करिए कि बहुत ज्यादा कुछ फालतू का डेटा, जैसे मूवी है, मूवी को कई बार कॉपी करके कई बार पेस्ट करके पेन ड्राइव को फुल कर दीजिए। फुल कर देंगे तो क्या होगा, डेटा जो है ओवर राइट हो जाएगा, तब जो है वो डेटा रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन इतना तकलीफ करने से, उठाने से अच्छा है कि आप क्या करेंगे, आप किसी दूसरे के पेन ड्राइव में आप अपना डेटा सेव करके नहीं रखेंगे, ठीक है, तो ऐसा आप ध्यान रखिएगा जी। इसके बाद आगे क्या है, अच्छा ऑनलाइन सिक्योरिटी अब आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, डोंट यूज अनोन साइट। आप जिस वेबसाइट के बारे में नहीं जानते, कुछ भी समझ नहीं है, उस वेबसाइट को आप सीधा इस्तेमाल ना करें। वेबसाइट्स वगैरह ये सेफ है कि नहीं है, इसको टेस्टिंग करने का कुछ वेबसाइट होता है, ठीक, जो मैं बता दूंगा आपको, कभी आप पूछ लेना मेरे से, तुरंत मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप सीधा सा ये बात याद रखिए, जिस वेबसाइट के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है, उस वेबसाइट को आप सर्फिंग ना करें। हो सकता है कि उस वेबसाइट में आप गए और कुछ डाउनलोड हो गया आपके कंप्यूटर में, आपको पता नहीं चला और अपने आप इंस्टॉल होकर कुछ हैक हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला है, डोंट ओपन अनोन लिंक्स। पहले क्या था कि व्हाट्सएप में कोई भी आपको आदमी लिंक सेंड करता तो आप उस लिंक में सीधा क्लिक करके ओपन कर सकते थे। अब ऐसा करने से क्या होगा, हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको कुछ लिंक सेंड किया है वो किसी सॉफ्टवेयर का लिंक है, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपने आप जब डाउनलोड हो जाएगा तो क्या होगा, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, फिर क्या होगा, आपका सारा डेटा किसी को भेज देगा वो, ठीक है। तो इस ये आपको नहीं करना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व अब व्हाट्सएप ने कर दिया, कैसे, आपको मालूम है आपको कोई भी व्यक्ति कुछ लिंक भेजता है, मोबाइल नंबर भेजता है, तो वो क्लिक नहीं होता है। कब तक क्लिक नहीं होता है, जब तक आप उसका नंबर सेव ना कर दें। आपने नोटिस किया है ऐसा, आप किसी का नंबर डिलीट कर दीजिए, ठीक है, पूरा चैट का हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए, फिर वो आपको मैसेज करेगा, तो उस वो कुछ लिंक मैसेज करेगा, तो उस लिंक पे आप क्लिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब कब आप क्लिक कर पाएंगे लिंक पे, जब आप उस व्यक्ति का नंबर या तो सेव कर दें या तो आप उस व्यक्ति को कुछ मैसेज दोबारा रिप्लाई करें। तो रिप्लाई किया आपने तो साबित कर दिया कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं, तब उसका लिंक आप ओपन कर पाएंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने अब इसको जो है ठीक कर दिया है, ठीक है। चेक URL, होता यह है कि आप चेक करें HTTP, HTTPS एंड डोमेन नेम, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई फेसबुक अकाउंट आपका हैक करना चाह रहा है, तो क्या काम करेगा, फेसबुक का जैसा पन्ना है वैसा ही पन्ना आपको फेक बना के दे देगा, जो मैं पहले आपको शायद बता रहा था एक बार, ठीक है। तो आप हमेशा देखें कि जो मेरे पास लिंक आ रहा है
क्या वो सच में फेसबुक का है, और फेसबुक का वेबसाइट तो HTTPS होता है, HTTP होता नहीं। तो आप इन सब को चेक करें, डोमेन नेम देखें कि www.facebook.com या www.mfacebook.com है या नहीं, या फिर facebook.com के जगह पे fakebook.com तो नहीं है, क्योंकि फेसबुक और फेकबुक एक ही जैसा होता है। और आपने जल्दीबाजी में लॉगिन कर दिया, आपका अकाउंट हैक हो गया, आपने नेट बैंकिंग यूज कर दिया इसी तरह से जल्दीबाजी में किसी के द्वारा भेजा हुआ लिंक से, तो आपका हैक हो जाएगा, इसीलिए आप देखें। ठीक है, ऑलवेज यूज वर्चुअल कार्ड फॉर शॉपिंग। इसका क्या मतलब है? वर्चुअल कार्ड का मतलब ये है कि बैंक, नेट बैंकिंग अगर आप इस्तेमाल करें या बैंक वगैरह से आप कहें, तो कुछ वर्चुअल कार्ड वो जनरेट करके दे देते हैं जितने अमाउंट का आप चाहें। ठीक, मतलब क्या? मतलब ये कि आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करें और आप वहां से वर्चुअल कार्ड जनरेट कर सकते हैं। उस वर्चुअल कार्ड में कितना पैसा रहेगा? आप जैसे मान लो मुझे 100 रुपए का एक किताब खरीदना है, तो मैं चाहता हूं कि एक वर्चुअल कार्ड मैं बनाऊं जिसमें 100 रुपए का मैं शॉपिंग कर सकूं। ठीक है, तो उस 100 रुपए का मैं वर्चुअल कार्ड बनाऊंगा और वर्चुअल कार्ड में अमाउंट डालूंगा कि ये कार्ड 100 रुपए तक का शॉपिंग कर ले। ठीक है, फिर उस वर्चुअल कार्ड का नंबर वगैरह मैं ऑनलाइन शॉपिंग में उस कार्ड का नंबर वगैरह दे दूंगा और फिर शॉपिंग कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद उस कार्ड में पैसा रहेगा नहीं और वो कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। कुछ वर्चुअल कार्ड होते हैं जो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ वर्चुअल कार्ड होते हैं जो कि सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इस वर्चुअल कार्ड का आप इस्तेमाल अगर करेंगे तो बेहतर होगा। वर्चुअल कार्ड क्या होगा? एक सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा फोटो के रूप में, जिसमें कार्ड डिटेल्स पूरा रहेगा, कार्ड का नंबर होगा, एक्सपायरी डेट होगा, और उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ओरिजिनल कार्ड का नंबर वगैरह कोई नहीं जान पाएगा, आप वर्चुअल कार्ड का नंबर से शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो शॉपिंग वगैरह करने के लिए वर्चुअल कार्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे सेल्फ सिक्योरिटी। हमको खुद सिक्योर रखना है। ठीक है, डिस्प्ले फुल ग्रिडिंग मोड, ये अच्छा है। ठीक है, अब सेल्फ सिक्योरिटी में क्या? फुट प्रिंटिंग का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। आपके रिलेटेड मैं जितना ज्यादा जानकारी कलेक्ट करूंगा उतना आसानी से आपको हैक कर लूंगा ना। जैसे पहले मैं आपका सिर्फ नाम जान रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन आप व्यक्ति हैं, मेरा दोस्त मुझे बोला कि इसका फेसबुक अकाउंट हैक करके मुझे दो, मैं तो आपको जानता नहीं, तो मैं आऊंगा आपसे थोड़ा जान पहचान थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, आपका नाम जान गया मैं, फिर थोड़ा जान पहचान बढ़ाऊंगा, बोलूंगा थोड़ा आपसे बात करूंगा, हालचाल पूछ लिया करूंगा, इसलिए अपना मोबाइल नंबर दे दो जी, तो मोबाइल नंबर मैं आपसे ले लूंगा। आप कहेंगे मोबाइल नंबर से क्या हैक कर लेगा मेरा? ठीक है, आप मोबाइल नंबर उसको दे देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर कुछ काम का बहाना लगा के आपसे कहेगा आप अपना ईमेल एड्रेस बताना जी, क्या है, आपको कुछ मैं भेजूंगा। ठीक है, तो आप ईमेल एड्रेस आप बता देंगे तो जान जाएगा। हो सकता है शायद कि आप उसी ईमेल एड्रेस से आप बैंक का OTP आता होगा उसी ईमेल एड्रेस पे, या उस ईमेल एड्रेस से आप फेसबुक में लॉगिन करते होंगे और आपका मोबाइल नंबर आपके फेसबुक का जो है पासवर्ड होगा। हो सकता है अगर ऐसा तो तब तो इस तरह से हैक कर लिया जानकारी लेके। हो सकता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो आपका पासवर्ड हो, या फिर आपका नेम और @date of birth आपने ऐसा पासवर्ड अपना रखा हो, तब वो क्या करेगा? आपका व्हाट्सएप में आपका जो है नंबर को सेव करेगा, हमेशा देखता रहेगा कि इसको कब लोग हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, पता लगा लेगा जी इसका तो जयंती आ गया, या फेसबुक से देख लेगा किसी भी तरह से। आपका मार्कशीट आपका आधार कार्ड से जान जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, थोड़ा बोलेगा दिखाना जरा आधार कार्ड, क्या तुम्हारे आधार कार्ड में तुम्हारा फोटो खूबसूरत है? ठीक है, तो आप दिखा देंगे देखो मैं स्मार्ट लग रहा हूं आधार कार्ड में भी। ठीक है, और आपका डेट ऑफ बर्थ तो देख लेगा और आपका डेट ऑफ बर्थ से हो सकता है कि हैक कर ले। तो इस तरह से आपका जानकारी वो किसी ना किसी हर अलग अलग माध्यम से जो है आप जानकारी कलेक्ट करेगा और आपको हैक कर लेगा। ठीक, तो आप अपना जानकारी जितना ज्यादा से ज्यादा है दूसरों के साथ शेयर ना करें। ठीक है, अगला है लॉक इंडिविजुअल ऐप। लॉक इंडिविजुअल ऐप का क्या मतलब है? आपको नहीं मालूम है कि आपके मोबाइल में कितने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं। हो सकता है कि आपके मोबाइल में कुछ
वायरस वगैरह या कुछ स्पाईवेयर नाम का सॉफ्टवेयर डाल रखा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपने मोबाइल में चेक करते रहें कि आपके मोबाइल में ऐसा तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो जिसके बारे में आपको मालूम ना हो, और आपको मालूम नहीं है तो आप क्या करें कि आप चेक करते रहें कि आपके मोबाइल में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है तो नहीं, और है तो उसको डिलीट मार दीजिए। ठीक, अगला है आपका बी केयरफुल व्हाट ऑफ व्हाट्स यू इंस्टॉल। आप जब भी कोई इंस्टॉल करते हैं कुछ भी सॉफ्टवेयर, तो आप चेक कर आप केयरफुली इंस्टॉल करें। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपसे किस किस चीज का परमिशन मांग रहा है। जैसे आपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल करा, ठीक है, तो व्हाट्सएप आपको बोला कि मैसेज को पढ़ने का मुझे दो परमिशन, तुम्हारा गैलरी में पढ़ सकूं मोबाइल का इसलिए परमिशन दो मुझे, तुम्हारा कॉन्टेक्ट में पढ़ सकूं इसलिए परमिशन दो। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया गैलरी का, ठीक, और आपको मैं बोला कि देख भाई ये गैलरी को जरा इंस्टॉल कर अपने में, बहुत बढ़िया बनाया हूँ। आप बोले ठीक है दे दो, पर मैंने ऐसा उसको ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखा है गैलरी के अंदर कि वो आपके मैसेज का परमिशन मांगेगा, ये बात आपको नहीं मालूम है। ठीक है, आप जैसे ही गैलरी को इंस्टॉल करेंगे, मेरा गैलरी मेरे द्वारा जो बनाया गया है वो आपके मैसेज को पढ़ने का परमिशन मांगेगा। ठीक, आपने कुछ सोचा समझा नहीं और आपने परमिशन दे दिया, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि आपका जो कार्ड डिटेल है उसको मैंने किसी तरह से ले लिया है, लेकिन आप कहेंगे ओटीपी के बगैर शॉपिंग कैसे करेगा, तो मैंने आपको बताया कि मैंने गैलरी एक तो तैयार किया रहूंगा या कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार करूंगा जिसका जरूरत आपको मैं पढ़ाऊं, जरूरत आप यूज करें, और वो सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होने लगेगा तो आपसे मैसेज का परमिशन मांगेगा और आपने परमिशन दे देंगे आप परमिशन। तो क्या होगा, जैसे ही ओटीपी आपके मोबाइल में मैसेज के रूप में जाएगा, मेरे द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर आपके मैसेज को रीड करेगा ओटीपी को और फिर मेरे को दे देगा, और मैं उस ओटीपी के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड हैक कर लूंगा या बैंक अकाउंट का पैसे हैक कर लूंगा। आप ध्यान दिए हैं कभी, आप वेरीफाई जैसे ही आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करके अकाउंट बनाते हैं ओटीपी डालते नहीं, अपने आप ओटीपी कैसे ले लेता है, तो आपके मोबाइल का जो मैसेज को का परमिशन है व्हाट्सएप के पास हो जाता है, इसलिए आपका मोबाइल का मैसेज वो अपने आप पढ़ के लॉगिन कर लेता है, अकाउंट बना लेता है। आपको मालूम है ऐसा होता है, जनरली आपने अगर ध्यान दिया हो तो ऐसा होता है, ट्रू कॉलर है, आपने अकाउंट आपने कॉन्टेक्ट सेव करना आप चाह रहे हैं लेकिन अपने आप नाम लिखा गया आपके कॉन्टेक्ट में। भाई आप किसी का नंबर सेव करते हैं, ठीक है, तो नाम लिखना पड़ेगा ना, लेकिन ट्रू कॉलर के जरिए अगर आप सेव करेंगे तो नाम आपको नहीं लिखना है, अपने आप लिखा जाता है। क्यों? आपके कॉन्टेक्ट को एक्सेस करने का परमिशन आपने दिया है ट्रू कॉलर को, इसलिए आपका सारा कॉन्टेक्ट को ट्रू कॉलर पढ़ लिया है। ठीक है, आप किससे बात करते हैं, कब बात करते हैं, इन सब का डिटेल्स ट्रू कॉलर के पास चला जाता है, क्योंकि ट्रू कॉलर के थ्रू आप फोन भी तो करते हैं, तो आप इन सब से बचें। ठीक, यही इसका मतलब है। हाइड नोटिफिकेशन इन लॉक स्क्रीन। बहुत लोग होते हैं बहुत तगड़ा पैटर्न बना के रखते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि बंद करना नोटिफिकेशन को। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में ऐसा फीचर है कि पैटर्न लॉक है फिर भी बैंक ने ओटीपी भेजा तो मैसेज पढ़ा गया, वो मैसेज का कंटेंट ऊपर दिखाई देता है ना, लॉक स्क्रीन नहीं है और आपने नोटिफिकेशन ऊपर से खींचा तो आप मैसेज पढ़ सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप लॉक अगर स्क्रीन है और मैसेज आया तो मैसेज का कॉन्टेक्ट पढ़ा गया, अगर ऐसा है तो ये गलत है ना, आपके लॉक करने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो आप ऐसा रखें लॉक स्क्रीन को लॉक करते समय कि स्क्रीन अगर लॉक है तो नोटिफिकेशन हाइड हो। ठीक, मैसेज तो आए पर मैसेज को हम पढ़ ना सके, कंटेंट को हिडन करके रखें। मोबाइल में ऐसा होता है, फीचर्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई को आप ना यूज करें, जितना चाहे बचें। डोंट यूज ये तो गलत है शायद, मेरे को लग रहा है। ठीक है, इसके जगह पे डोंट यूज होना चाहिए, मैंने गलत लिखा है ये। ठीक है, पब्लिक कंप्यूटर टू लॉग इन नेट बैंकिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे आप नेट बैंकिंग जैसा चीज यूज करना चाह रहे हैं आप लॉग इन करके, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप पर्सनल कंप्यूटर में लॉग इन करें, पर्सनल मोबाइल में लॉग इन करके यूज करें, आप दूसरे का कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल ना करें। और मान लीजिए आपके पास मजबूरी है तो आप क्या करें जी, आप सारा कुकीज वगैरह डिलीट करके ही जाएं,
ठीक है, या इनकॉग्निटो मोड में आप यूज करें, उसमें हिस्ट्री वगैरह स्टोर नहीं होता है, लेकिन आप जब भी इस्तेमाल करें तो सेफ ब्राउजर का इस्तेमाल करें, वेबसाइट को पूरा देखें ध्यान से, और जैसे ही मोबाइल बोल रहा हूँ कंप्यूटर को छोड़ें, लॉगआउट करें, तो लॉगआउट करने के बाद सारा हिस्ट्री कुकीज वगैरह डिलीट कर दें पूरा, कि कोई जानकारी ना हो। ठीक, अवॉइड साइन इन टू योर नेट बैंकिंग अकाउंट विया मेलर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको कोई ईमेल आया, ठीक, ईमेल में लिखा हुआ है कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ईमेल आया है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको बोल रहा है कि आप अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड बदल दें, ठीक, आप नेट बैंकिंग के पासवर्ड को बदल दें, ऐसा सेंट्रल बैंक आपको ईमेल कर रहा है, ठीक, और नीचे लिंक दिया हुआ है कि इस लिंक पे आप क्लिक करके जो है अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, ठीक। तो आप मेल के द्वारा आया हुआ किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड कभी मत बदलना, ठीक, क्योंकि हो सकता है कि वो लिंक ओरिजिनल वेबसाइट का ना हो, किसी दूसरे वेबसाइट का हो, ठीक है, और आप वहां पे जाके पासवर्ड बदलेंगे तो क्या होगा, आपका करंट पासवर्ड को हैकर अपने पास रख लेगा और आपका अकाउंट लॉगिन कर लेगा, ठीक। तो इसलिए आप मेलिंग के द्वारा कुछ आया हुआ है लिंक या मैसेजिंग वगैरह के द्वारा, तो उससे आप कभी ना लॉगिन करें, ठीक है। दूसरा लगता है हाइड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अभी के जमाने में ये संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका जो बैंक में रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, जिसमें ओटीपी आता है, ठीक है, या फिर जो बाकी इंपॉर्टेंट जगह पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वो आप दूसरे को ना बताएं, बहुत कम बताएं, ना बताएं। क्यों? हो सकता है किसी भी तरीके से आपका मोबाइल नंबर जान जाए और ओटीपी वगैरह किसी भी तरीके से ले ले, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है। एक उदाहरण आपको मैं देता हूं, ठीक है, ऐसा होगा या नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शायद ऐसा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक वायरस बनाया, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया, जो कि मोबाइल में जैसे ही डबल क्लिक करेंगे उस सॉफ्टवेयर पे, मोबाइल पे अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा और वो सॉफ्टवेयर सारा परमिशन अपने आप ले लेगा और हाइड कर लेगा खुद को, ठीक। मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया और उसको फोटो के साथ जोड़ दिया, ठीक, अब फोटो पे आप क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर पे भी तो क्लिक होगा और अपने आप डाउनलोड होकर इंस्टॉल, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा और परमिशन लेके हाइड कर लेगा खुद को, आपको पता नहीं चलेगा ना। मैं वो फोटो किसी भी तरह से आपको दे दूंगा, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए मैं व्हाट्सएप लेता हूं, ठीक। अब व्हाट्सएप के पास अगर एंटीवायरस का सुविधा हो, व्हाट्सएप अगर फोटो को स्कैन करता हो, तो हो सकता है कि वो फिल्टर कर ले, लेकिन अगर स्कैन ना करता हो तब तो नहीं कर पाएगा स्कैन, ठीक। तो व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको फोटो भेजूंगा, वो खाली फोटो नहीं रहेगा, उसके में एक सॉफ्टवेयर रहेगा जो कि आपके डेटा को चोरी करेगा, ठीक है। आपको मैंने गुड मॉर्निंग के फोटो के साथ उस वायरस को, मैंने उस सॉफ्टवेयर को जोड़ा, एक में जोड़ करके भेज दिया, आपको दिखाई देगा वो फोटो की तरह, लेकिन उसके अंदर तो सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर भी रहेगा ना। जैसे ही आप फोटो देखेंगे तो उसमें गुड मॉर्निंग का रहेगा लिखा हुआ, डिजाइन में पूरा डिजाइन किया हुआ, जैसे ही क्लिक करके ओपन करेंगे फोटो आप देख लेंगे और खुश हो जाएंगे, वो मुझे याद कर रहा है, चलो कितना अच्छा है, मेरा ध्यान रखा है, ठीक। लेकिन जैसे ही फोटो ओपन होगा क्लिक होके, आपका सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल के अंदर, ठीक, और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो ओटीपी वगैरह ले लेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हैक कर सकता है शायद ऐसा, ठीक है। इसलिए आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर वगैरह पूरा हिडन करके रखें, मैक्सिमम टाइम पे ना बताएं, ठीक है। रिडायरेक्ट टू मलेशियस साइट। आप जब भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप जिस लिंक पे क्लिक करते हैं ध्यान दें कि वो लिंक कुछ गड़बड़ तो लिंक नहीं है, किसी भी लिंक वगैरह पे आप क्लिक करते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो रिडायरेक्ट कर दे अपने कोई मलेशिया साइट पे और वहां से वायरस वगैरह कुछ डाउनलोड हो जाए। जैसे आपने कुछ वेबसाइट सर्फिंग करा ना, आप देखते हैं लिंक पे क्लिक करते हो और अपने आप कुछ कुछ खुलने लगता है, पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल अपने आप वाइब्रेट करने लगता है, तो आप ध्यान पूर्वक देखें जो है, ठीक है। अगला, अच्छा यहीं पे मैं बता दे रहा हूं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को जो मैं हाइड करने का बात कर रहा हूं, एक हैकिंग का तरीका यह है कि आपके पुराने नंबर के थ्रू मैंने हैक कर लिया कुछ, ठीक। जैसे आपका जो पुराना मोबाइल नंबर था वो जो था वेरीफाई था, वो आपके फेसबुक थे,
फेसबुक से, राइट। और मेरा वो पुराना मोबाइल नंबर जो था वो भूल गया, मैंने क्या काम किया, दुकान में क्या दूसरा मोबाइल नंबर खरीद लिया, वो उस मोबाइल नंबर को मैंने भूल गया, ठीक। लेकिन वो मोबाइल नंबर आपके ईमेल एड्रेस में रजिस्टर्ड था, फेसबुक पे रजिस्टर्ड था, पर वो मोबाइल नंबर तो आप अब आप नहीं यूज कर रहे हो ना, तो क्या होगा, उस नंबर पे जो भी ओटीपी जाएगा वो नंबर अब दूसरे का किसी को तो मिल ही जाएगा, तो उसके पास ओटीपी जाएगा और इसके जरिए इस आधार पे आपका ईमेल या फिर आपका अकाउंट हैक हो सकता है पुराने मोबाइल नंबर के थ्रू भी। इसलिए आप अलर्ट रहें कि जब भी आप नंबर बदलते हैं या आपका कोई नंबर भूलता है तो नंबर कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखना, वरना आपके पुराने मोबाइल नंबर के जरिए आपका अकाउंट टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो आप इस बात को ध्यान रखोगे। स्पूफिंग माने चोरी, धोखा से चोरी कर लेना है। इसमें है दो ठो, ईमेल स्पूफिंग, इसका क्या मतलब है, ईमेल स्पूफिंग में आपको बताया कि मैं दावा करूंगा जी कि मैं सेंट्रल बैंक से भेजा हूं, मैं इसे सेंट्रल बैंक का फोटो फोटो लगा दूंगा मैं, ठीक है। आप कहेंगे कोई दूसरा आदमी सेंट्रल बैंक के नाम से कैसे मैसेज कर सकता है, आसान है, हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप जैसे मान लो मैंने अपना अकाउंट नंबर ईमेल के थ्रू आपको भेजा है, ठीक है, और आपको मैंने ईमेल के थ्रू ही बोला कि मैं परेशान हूँ, बहुत दिक्कत है, पैसे ट्रांसफर करो, आपने ईमेल को पढ़ा और आपने दया प्रेम को उड़ा जगह और आपने ट्रांसफर कर दिया, नहीं जी ऐसा नहीं करना, फोन करो एक बार दो बार तीन बार और अलग अलग तरह से उससे जानकारी लो, तब उसको पैसे दो, ठीक। या फिर मोबाइल नंबर एंड SMS, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे मोबाइल नंबर से आपको मैसेज जाए, उसमें लिखा है कि प्लीज हेल्प मी, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, आ जाइए, और आप जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको उठा लूंगा, किडनैप कर लूंगा, ठीक। या फिर मोबाइल नंबर से, मेरे मोबाइल नंबर से मैसेज जाए कि जी मैं दया प्रेम करूँगा, आप अपना दिखाइए, मुझे कुछ पैसे दीजिए, वही पुराना वाला बात, तो आप कहेंगे जी ये तो अपने ही नंबर से मुझे मैसेज किया है तो इसमें क्या धोखा होगा, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ पैसा, नहीं जी नहीं। फेक SMS करने के भी तरीके होते हैं, फेक SMS किया जा सकता है इस तरह से, तो आप अलर्ट रहें। मोबाइल नंबर से कोई फोन किया, मेरे ही आवाज से आपको फोन कर दिया, कर दिया कल छुट्टी, आप यकीन मत करना, ठीक है, पर मेरे साथ तो ऐसा कोई करेगा नहीं जी, मैं करोड़पति हूं नहीं जी कि मेरे साथ ऐसा कोई चीटिंग करके हैक करेगा, ठीक है। लेकिन जहां पे पैसे का बात आए वहां पे जरूर आप अलर्ट रहना, ठीक, क्योंकि आज पैसे के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। वो दिन बीत गए जब भगत सिंह के दादाजी थे अर्जुन सिंह, जब कहते थे कि मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए, अपने अपने परिवार के निजी लाभ के लिए मैं देश के साथ बेईमानी नहीं कर सकता, मैं निजी लाभ के लिए देश के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं अपने लाभ के लिए कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता जो अंग्रेजों के सपोर्ट में हो। लेकिन आज चंद पैसों के लालच के कारण लोग अपना जमीर बेच देते हैं, बोलते हैं क्या करना है बोलना भाई, मेरे को मतलब नहीं है मेरे देश से, ठीक है। अर्जुन सिंह थे जो चले गए, अब दूसरा नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको कोई फोन करके बोलता है आपके दोस्त के ही आवाज में कि मुझे कुछ पैसे का जरूरत है, हो सकता है कि ये भी फर्जी कॉल हो। ये टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि आपके आवाज में आपके नंबर से कोई दूसरा व्यक्ति फोन कर सकता है। आप उदाहरण अगर दूं तो मान लीजिए मेरी आवाज में आप कुछ टिक टिक वीडियो नहीं बना सकते, बन सकता है ना, तो भाई मेरे आवाज से जब टिक टिक वीडियो बन सकता है तो मेरी आवाज से फोन नहीं जा सकता क्या, जा सकता है ना, बड़ा आसान काम है ये सब। तो आप कहेंगे क्या जी कोई फोन करके मुझसे मदद मांगे, पैसे मांगे, तो क्या मैं मदद ना करूं, आप करिए। मदद किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए ये इस क्लास के आखिरी में पूछना तो मैं बताऊंगा, ठीक है। पर मदद आप करते हो तो कैसे करोगे, मैंने फोन आपको मैंने किया या कोई किया, ठीक है, तो आप उससे दो तीन बार अलग अलग तरह से कुछ इंफॉर्मेशन पूछिए, ठीक, उसके बात करने के हाव भाव तरीके को परखिए, आपको स्पष्ट हो जाए कि नहीं व्यक्ति सही है, इन कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन पूछिए, ठीक है, जो बाकियों को नहीं मालूम या कम लोगों को मालूम या वो बता नहीं पाएगा, कुछ आप हाव भाव तरीके से परखिए फिर ही कुछ करिए, आप निर्णय लीजिए, ठीक है। अगला है इवर्स ड्रॉपिंग,
वर्ड्स ड्रॉपिंग का हिंदी मीनिंग क्या होगा मुझे ये बातें नहीं समझ में आ रहा है। मैं काफी समय पहले इसको लिखा था। ट्रांसलेट करें क्या गूगल से? कर लेते हैं जी। वर्ड्स ड्रॉपिंग का हिंदी मीनिंग हिंदी, ओ जासूसी, अब समझ में आया मुझे। ठीक है, ये होता है जी जासूसी करना। ठीक, तो आपके आसपास कोई खड़ा तो नहीं है कि जो जासूसी कर रहा है? ठीक है, आपके अगल बगल कोई बैठा तो नहीं है, आपको कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है कि आपका कहां आप जाते हैं, कैसे काम करते हैं, क्योंकि आपके रिलेटेड जानकारी ले रहा है ना, जासूसी कर रहा है तो बच के रहना इससे। ठीक है, जासूसी कैसे करेगा? सोशल इंजीनियरिंग से आपको फोन करेगा, आपको मैं सच बता रहा हूँ, सोशल इंजीनियरिंग से आपको फोन करेगा कोई। ठीक है, फोन करके ऐसे बात करेगा जैसे आपको वर्षों से जान रहा है, बोलेगा अरे भूल गए मेरे को, अरे हमने साथ में तो हाई स्कूल पास किया था, तेरे को मालूम नहीं है, तुमने पिंच भो दिया था तो अपने पीछे बैठे लड़के को। ये भैया मैंने कब पिंच भोया था? ठीक है, अरे यार उससे तुम्हारा लड़ाई हो गया था तो हम लोग दोनों साथ में गए थे उससे निपटने के लिए, तुमको मालूम नहीं? ठीक है, आपके किसी दोस्त का नाम ले लेगा, बोलेगा मैं वही हूँ। ठीक है, और फिर आपके रिलेटेड बहुत सारा जानकारी मांगने लगेगा, बच के रहना। अगला है डोंट शेयर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी, गलती से भी किसी को ओटीपी मत देना वरना क्या हो जाएगा आप जानते हैं। शोल्डर सर्फिंग, क्या मतलब है जी शोल्डर सर्फिंग का? आसपास से आपको देख लूं मैं, मतलब वही जासूसी। ठीक है, उदाहरण एक देता हूं, आप क्या कर रहे हैं, बस से जा रहे हैं या प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, बस स्टैंड पे बैठे हैं, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, आपने अपना लैपटॉप ऑन करा या मोबाइल से लॉगिन करने लगा आपके नेट बैंकिंग का पासवर्ड। ठीक, हुआ क्या, आपके पीछे जो व्यक्ति है वो देख लिया, हो इसका यूजर आईडी ये है, पासवर्ड ये है। आप कहेंगे जी सर जो हम पासवर्ड टाइप करते हैं वो तो डॉट 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 दिखता है, आपको मालूम होना चाहिए आप किस किस बटन पे क्लिक किए हैं, ये भी तो देख लेगा। कुछ मोबाइल में फीचर होता है ऐसा कि आपने कीबोर्ड पे जिस बटन पे प्रेस करा उस बटन को सामने पॉपअप करता है, तो इस तरह से पासवर्ड को देख सकता है। हो सकता है आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हो और कैमरे से देख लिया आपका पासवर्ड, तो क्या पता जो कैमरे को मॉनिटर करके बैठा वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान निकला। तो हो सकता है कि आप जहां बैठ के चला रहे हैं अपना कंप्यूटर लैपटॉप, हो सकता है आपके पीछे शीशा लगा हो, तो जैसे मेरे सामने ये मिरर लगा है, ठीक है, और आप देख सकते हो कि मेरे मॉनिटर में क्या है, प्रोजेक्टर का केबल में लगा दूं, सामने आपके मिरर लगा हो, मिरर में कोई देख लिया तो आप सिक्योरली काम करना, आपके आसपास कोई सुन तो नहीं रहा कुछ। ठीक है, हो सकता है कि मैं फोन पे बात कर रहा हूं और किसी को कुछ डेटा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं सेंसिटिव, और मेरे पास कोई खड़ा होकर सुन लिया, तो ईवर्स ड्रॉपिंग में यही होता है। ठीक है, जैसे मैं फोन पे बात कर रहा हूं और धीरे से अपना पासवर्ड आईडी किसी को बता दिया, या एटीएम का ओटीपी, एटीएम कार्ड का नंबर बता दिया, या फिर एटीएम कार्ड का पासवर्ड बता दिया, ठीक है, बगल में कोई खड़ा था सुन लिया वो, तब तो हमारा बच गया बैंड। तो आप ध्यान देना कोई आसपास सुन तो नहीं रहा है। इसी भाषा को दूसरे शब्दों में पुराने जमाने के लोग कहते हैं जी दीवाल के कान होते हैं। ठीक है, तो दीवाल के क्या कह रहे हैं आप? हाँ, दीवालों के भी कान होते हैं, देख लेना। इसलिए आप जब भी बात करें तो आसपास अपना देख लें, ये बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, आप भी सीख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है जी शोल्डर सर्फिंग, तो आप जानेंगे आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति पासवर्ड देख लेगा और आपका बैंड बजा देगा। डंपस्टर डाइविंग, ये ड्राइविंग तो नहीं होगा ना, इसका मतलब क्या है? डंपस्टर डाइविंग का मतलब कोई भी सूचना या जानकारी आपने कुछ लिखा है और बाद में लिखा है आपने उसका काम खत्म, तो आप क्या करेंगे उसको डस्टबिन में मोड़ चमोड़ कर डाल देंगे। ठीक, मैं क्या काम करूंगा, बाहर देख देख रहूंगा उसका कचरे का डब्बा, उसका डस्टबिन कब बाहर फेंकता है, जैसे ही आप बाहर फेंकेंगे अपना डस्टबिन तुरंत मैं दौड़ के जाऊंगा और कचरे को उठा के ले लाऊंगा अपने घर और देखूंगा इसमें रखा क्या क्या है।
और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आप लिखे थे अपने पेपर्स में उसको मोड़ चमोड़ के तो फेंक दिया आपने, डस्टबिन में डाल दिया और मैं पढ़ के जान गया। ठीक, तो इसीलिए आप ऐसा भूल के मत करना, जला देना उसको, टुकड़ा टुकड़ा भी मत करना, नहीं तो सेलो टेप से चपका के पढ़ लेगा। ठीक, किसी व्यक्ति का अच्छाई जानना हो तो आप उसके किताबों को देखिए, ठीक है, और किसी व्यक्ति का बुराई जानना हो तो उसका डस्टबिन को देखिए, हो सकता है सिगरेट पी के फेंका हो तो थोड़ी बताएगा कि मैं सिगरेट पीता हूं तो गुटखा खाता हूं, डस्टबिन में जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा सच क्या है। ठीक है, अब आदमी के बारे में अच्छा अच्छा चीज जानना है तो उसके किताब उसका किताब वगैरह पढ़िए, तो जैसा किताब पढ़ रहा है आप समझ जाएंगे आदमी कैसा है। ठीक, खैर छोड़िए, आगे देखते हैं क्या है फिजिकल अप्रोच। ठीक, फिजिकल अप्रोच से क्या मतलब है, मैं आपको अपना पेन ड्राइव दूंगा, कहूंगा कि जी मूवी इसमें डाल के दे दो, तो आपके साथ में कभी धोखाधड़ी किया होगा तो आप जान जाएं कि ना इस पे यकीन नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसके पेन ड्राइव में वायरस होते हैं, कुछ प्रोग्राम होता है ऐसा कि जैसे कंप्यूटर में लगाओ कंप्यूटर का डेटा चोरी कर लेता है, इसीलिए ये कोई भी पेन ड्राइव देगा तो मैं नहीं लगाऊंगा। अब मैं क्या करूं जी, आपका कंप्यूटर कैसे हैक करूं, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा मोबाइल दुकान में, कंप्यूटर दुकान में, कहूंगा जी थोड़ा 72 GB का पेन ड्राइव देना, तो 72 GB का नहीं आता शायद, ठीक है, कहूंगा 64 GB का दे दो, 32 GB का दे दो, 128 GB का दे दो, थोड़ा महंगा पेन ड्राइव दो। ठीक है, और उस पेन ड्राइव में मैं कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डालूंगा अपना। ठीक है, और मैं फिर क्या करूंगा, आपके टेबल पे रख दूंगा या फिर आपका रूम लॉक होगा तो आपके रूम के बाहर दरवाजे पे फेंक दूंगा और घर आ जाऊंगा। ठीक है, आप जाएंगे देखेंगे 128 GB का पेन ड्राइव देखेंगे, खुशी से पागल हो जाएंगे। ठीक है, आप खुशी से पागल हो जाएंगे, तुरंत दौड़ के जाएंगे लगाएंगे अपने कंप्यूटर में आप। ठीक है, फिर कहेंगे वाह ये तो खाली पेन ड्राइव है, फायदा हो गया आज, आज का दिन बहुत अच्छा गया। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसने ऐसा कुछ प्रोग्राम बना के रखा हो अपने पेन ड्राइव में जो आपके लैपटॉप में लगते के साथ आपका डेटा चोरी करे और किसी वेबसाइट पे भेज दे, अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो, जैसे मेरा कंप्यूटर भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो अक्सर होता है कि लोगों का कंप्यूटर इंटरनेट से ब्रॉडबैंड वगैरह से कनेक्टेड रहता है ऑन करते हैं तो, और जैसे पेन ड्राइव लगाया डेटा को कहीं भेज दिया तो, इसलिए कोई भी फेंका हुआ चीज को उठाने का नहीं, हो सकता है बम हो उसमें। ठीक है, तो फेंका हुआ पेन ड्राइव उठा के अपने कंप्यूटर में नहीं डालना कभी तुरंत। ठीक, ये है फिजिकल अप्रोच। फिर है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक का क्या मतलब, फिशिंग अटैक के बारे में आपको मैं पहले बता दिया था जो है कि क्या करूंगा, मैं फेसबुक के जैसा पन्ना मैं डिजाइन कर लूंगा, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आप उस लिंक को ओपन करेंगे और फेसबुक में आप अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कर डालेंगे, तो पहला बार में मैं क्या करूंगा, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आप डाले रहेंगे उसको मैं अपने पास स्टोर करके रख दूंगा और आपको फेसबुक के रियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दूंगा, भेज दूंगा। क्या होगा, पहला बार में आपका फेसबुक अकाउंट नहीं खुलेगा तो आप क्या कहेंगे, कुछ समस्या हो सकता है, फिर से डालता हूं आईडी पासवर्ड, या फिर अगर रिमेंबर करके आप रखे होंगे, लॉग सेव करके रखे होंगे पासवर्ड, पहले से लॉगिन होगा तो अपने आप आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप ध्यान नहीं देंगे इस चीज को, लेकिन आपका पासवर्ड हैक हो चुका है, आपको मालूम होना चाहिए ये बात, इसीलिए आप ये फिशिंग अटैक वगैरह का बच के रहना। ठीक, ये दूसरा है व्हाट्सएप स्कैन हो सकता है, ये आप किसी को मोबाइल देना मत छूने के लिए, थोड़ा सा देखो थोड़ा सा मोबाइल या दिखाना ना, और स्कैन कर लिया, बगल में आप बैठे हैं और मैं इधर आपका व्हाट्सएप ओपन करके सारा डेटा देख लूंगा, कॉपी वगैरह कर लूंगा, कुछ जुगाड़ लगाऊंगा, आप बगल में बैठे हैं आपको थोड़ी मालूम है कि मैं चला रहा हूं। कोई व्यक्ति बार बार थोड़ी ना अपने सेटिंग में जाके चेक करेगा कहीं लिंक विंक तो नहीं है, मैं तो बजा चुका रहूंगा इधर से। ठीक, तो इसीलिए आप ध्यान रखना ऐसा ना हो। ठीक, डोंट टॉक नॉन पर्सन इन व्हाट्सएप, इसका मतलब यह है कि आप अनजाने व्यक्ति से बात ना करें ज्यादा, या बात ही ना करो, हो सकता है कि बात किया कुछ फाइल वाइल भेज दिया और हैक वैक हो गया उससे, देख के रहना बच के। ठीक है, इसलिए ना करना। वी कांट पब्लिक प्राइवेट इंफॉर्मेशन एनी पर्सन, ये हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, पर हिंदी में मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसमें, इसका मतलब ये है कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी भी व्यक्ति का पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक करूं, ऐसा आप मत करना चाहिए, बहुत ना इंसाफी होगा उसके साथ।
आदमी का इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा और सामने वाले को तकलीफ होगा इससे, इसलिए आप ऐसा मत करना जिससे कि किसी को घाटा हो जाए, ठीक है। आप किसी को तकलीफ पहुंचाएं, ऐसा काम आप मत करिएगा कभी, ठीक है। वीक पासवर्ड, मैंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया आपको, मोबाइल नंबर पासवर्ड में रखोगे तो ये होगा, डेट ऑफ बर्थ रखोगे तो ये होगा, नाम रखोगे तो ये होगा, आप हैक हो जाएंगे, आपका बर्बाद कर देगा आपको, आपका बच जाएगा बाजा। आपका सवाल ये होगा शायद कि जी पासवर्ड हम क्या रखें, फिर पासवर्ड हम क्या रखें जो हैक ना हो। तो वीक पासवर्ड हम नहीं रख सकते कभी। वीक पासवर्ड से क्या मतलब है, आप अपना नाम ना रखें, ठीक है, या फिर फैमिली मेंबर में किसी का नाम ना रखें। मैं अपना नाम ना रख के पासवर्ड में अपने पापा का नाम रख लिया, अपने भाई का नाम रख लिया, अपने सिस्टर का नाम रखा, मदर का नाम रखा, अपने दोस्तों का नाम रखा, अपने फेवरेट एक्टर का नाम रखा, अपने फेवरेट फूड का नाम रखा, कलर का नाम रखा, गलती से मत रखना, नहीं तो फेवरेट एक्टर कौन है तुम्हारे, फोन से कोई पूछ लेगा भाई मेरा तो फेवरेट एक्टर है पवन कल्याण, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, आपका तो कह देना जी उसी का भतीजा है, ठीक है, सामने वाला समझ जाएगा उसका भतीजा कौन है, हो सकता है रामचरण तेजा हो, सकता है साईं धर्म तेजा हो, अल्लू अरविंद तो नहीं है, या अल्लू अर्जुन तो नहीं है, या फिर कोई और तो नहीं है। तो फिर एक्टर का विकिपीडिया वो निकालेगा, फिर देखेगा ये बाप है, ये बेटा है, तो ये इसका भाई हुआ, और फिर पता कर लेगा यही फेवरेट एक्टर है तो इसी का नाम पासवर्ड में रखा होगा, ठीक। मत बताना गलती से मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, ये तो हैक हो जाएगा। और आप फेवरेट एक्टर का नाम पासवर्ड में मत रखना, फेवरेट, ठीक है। अगला मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर तो घटिया है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, पासवर्ड में कभी मत रखना। आखिरी शब्द में यही कहूंगा, फेवरेट थिंग्स, कुछ भी चीजें फेवरेट मत रखना पासवर्ड में, आसानी से हैक कर देगा वो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी कभी मत रखना पासवर्ड में, मैं रख लेता हूं कभी जभी, लेकिन किस चीज का पासवर्ड में रखता हूं ये आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो मैं रखता नहीं पासवर्ड में कभी जल्दी वैसे, ठीक है। एनी पर्सन इंफॉर्मेशन, एक शब्दों में मैं कहूं तो किसी भी व्यक्ति के रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन पासवर्ड में रखना ही नहीं है, गुनाह है, नहीं रखना चाहिए। दूसरा, डोंट यूज पासवर्ड डिक्शनरी, हो सकता है कि ये गलत में लिखा होगा, ट्रांसलेशन मेरा गलत होगा, लेकिन आप डिक्शनरी का कोई भी शब्द पासवर्ड में गलती से मत रखना, मेरा आपसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है। क्यों जी, डिक्शनरी अटैक करेगा, आपका पासवर्ड हैक हो जाएगा। क्या करेगा कि डिक्शनरी में जितने शब्द होते हैं उन सभी शब्दों का लिस्ट बना लेगा, और उस लिस्ट का जितने भी शब्द हैं उन सभी को एक एक बार ट्राई कर लेगा। आप कहेंगे इतना बार वो लॉग इन करेगा, ब्रूट फोर्सिंग अटैक करेगा, हाँ इतना बार जो है लॉग इन कर करके ट्राई करेगा, लेकिन वो अपने से लॉग इन करके ट्राई नहीं करेगा। आपने सुना है मोबाइल मूवी वगैरह में आपने शायद सुना होगा कि जी दो कंप्यूटर से एक साथ पासवर्ड हैक करेंगे तो भी इतना दिन लगेगा। तो कंप्यूटर रहेगा और कंप्यूटर का कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहेगा जो कि डिफरेंट पासवर्ड को ट्राई करेगा, और जो पासवर्ड से आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा वो पासवर्ड आपको दे देगा, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के जरिए करेगा वो बार बार ट्राई। ये पॉसिबल है, हो जाता है, मैंने कुछ किया है, सामने मौका मिलेगा तो मैं आपको भी दिखा दूंगा। ये सुन के आप लोगों को शायद अजीब लग रहा होगा कि किसी सॉफ्टवेयर के जरिए लॉग इन करना, ठीक है, पर ऐसा होता है, ठीक है। अब बात आता है, मैं कुछ भूल रहा हूं क्या यहां पे, कुछ चीजें मैं भूल तो नहीं रहा बताना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं, अच्छा नहीं, जो भूलता मैं बताना वो मैं बता दिया, पुराने मोबाइल नंबर के जरिए पासवर्ड हैक होना, ठीक है। अगला है हाँ एक चीज मैं भूल रहा था, जो मैं ये भूल रहा था वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यूज पासवर्ड लेंथ 8 to 30 कैरेक्टर, 8 अंक से लेके 30 अंक, 40 अंक, 50 अंक तक का अगर आप पासवर्ड रखते हैं तो हैक नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर आप इस तरह से पासवर्ड रखें, अपना मोबाइल नंबर रखेंगे तो कैसे रखेंगे आप, जैसे NINE 9 97 52 64 64 82, 2 के जगह पे TWO लिख दो, ठीक है, इस तरह से आप रख लिख दो।
अब मैं बता दिया आपको इस तरह से पासवर्ड लिख लो तो फिर आप मत रखना ऐसा, क्यों? मैं बता दिया, सब लोग जान गए हो, वैसे भी लिख देगा, ठीक है। हो सकता है कि शब्दों को हिंदी में लिख के रख लिया हो, ठीक है, डायरी में लिखा हो कुछ और पासवर्ड टाइप करने का तरीका हो कुछ और, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख के रख सकते हो पासवर्ड, लेकिन यार वो अंदाजा लगा लेगा, इसलिए आप कुछ ऐसा एल्गोरिदम खुद का बनाना, जैसे कि दो दो करेक्टर के बाद वाला पासवर्ड इस्तेमाल करो, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी वगैरह में सब आता है जो मैंने शायद आपको बताया है, ठीक है। डोंट यूज सेम पासवर्ड ऑल अकाउंट्स, ऑलवेज यूज डिफरेंट पासवर्ड, ठीक। क्या मतलब? मतलब ये है, आप 10 अकाउंट है आपके पास, एक इंस्टाग्राम का अकाउंट, एक ट्विटर का अकाउंट, एक फेसबुक का अकाउंट, एक व्हाट्सएप का अकाउंट, एक पता नहीं क्या चीज का अकाउंट, एक नेट बैंकिंग का अकाउंट, तो सभी अकाउंट में एक ही पासवर्ड को आप मत रखना। ये आप रखोगे तो क्या होगा? मैंने आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड बताया, अब सभी अकाउंट का सेम अगर पासवर्ड होगा तो मैं बताया आपको फेसबुक का, आपने मेरा इंस्टाग्राम भी देख लिया, मैं नहीं चाहता ना कि आप देखें, लेकिन आप तो देख लेंगे, इसलिए सभी अकाउंट का पासवर्ड आप अगर अलग अलग रखोगे तो बहुत अच्छा, सेफ होगा, सिक्योर होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि ये कठिन है, पर क्या करना, सिक्योरिटी के लिए करना पड़ेगा, यही डिजिटल इंडिया का सच है, डिजिटल इंडिया नहीं, डिजिटल दुनिया का सच है ये, कह लो आप, ठीक है। तो आप बैटरी लो हो गया, सॉरी, मैं क्या करूँगा, चार्ज में लगा दूँ, मुझे उठ के जाना पड़ेगा चार्जर लेने, रुकिए मैं जाके लेके आता हूँ, इतना समय हो गया क्या? चलिए, होने लगा जी। ये क्या है? यूज पासवर्ड कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। आप जब भी इस पासवर्ड बनाते हैं तो आप स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल करें। अगर आपने एक दो स्पेशल कैरेक्टर का भी इस्तेमाल कर दिया ना, तो हैकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आत्महत्या कर ले, क्या हैक नहीं हो रहा है। जैसे स्पेशल कैरेक्टर में क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा, ए आ जाएगा, ए ये 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 सब आ जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है प्रोजेक्टर में, विंडोज प्लस दबाऊंगा तो ये जूम हो जाएगा जी, ये देख लो, अब आपको दिख रहा होगा, ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आ जाएंगे जी। मतलब इसमें सब नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, ये ब्रैकेट भी आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये 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 ये, ठीक है, ए, ठीक है। तो इस तरह का जो कैरेक्टर है, इन सब का कैरेक्टर का इस्तेमाल आप करिए पासवर्ड में, ठीक है जी। तो आपका क्या होगा, पासवर्ड सिक्योर होगा, ठीक है। एक चीज मैं भूल रहा था जो बताना, वो मैं बता देता हूँ, याद है, आ गया है मुझे, और याद है अभी। आप क्या काम करें, आप अपने अकाउंट का पासवर्ड टाइम टू टाइम बदलते रहा करें, सेम पासवर्ड ना रखें। क्योंकि होता है ऐसा, आप जैसे फेसबुक अकाउंट में पासवर्ड चेंज किया आपने, ठीक, तो ऑप्शन आता है ना कि लॉगिन जो जितने डिवाइस में है, क्या उन सब में लॉगिन रहना चाहिए या लॉग आउट करने दूं। मान लीजिए किसी कारणवश कोई व्यक्ति आपके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड जान गया है, ठीक है, तो क्या करेगा, लॉगिन करेगा और आपका पासवर्ड चेंज कर देगा, ठीक, और क्या बोल देगा ये कि सभी अकाउंट में जो सभी जो डिवाइस में जो लॉगिन है अकाउंट, उसको लॉग आउट मत करो, पासवर्ड तो आपका बदल गया जी, लेकिन आपको तो पता नहीं चला। तो आप अपने अकाउंट का पासवर्ड बदलते रहा करिए, ठीक है, ये भी एक सिक्योर टेक्निक माना जाता है, ठीक है। तो ये रहा जी साइबर सिक्योरिटी का मेरा चैप्टर, ये खत्म हो चुका। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना चाहे तो पूछ लो आप, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना है तो आप खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए जी आप, नहीं पूछना है तो कर दीजिए नहीं पूछना है, पूछेगा कोई कुछ, नहीं पूछना है, नहीं, चलिए जी। आखिरी में आपको मैं कुछ बताने के लिए बोला था, क्या बताने के लिए बोला था, क्या किसी का मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है, मदद करना चाहिए किसी का, नहीं करना चाहिए, क्यों, पीछे, मदद करना चाहिए किसी का, नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग, अच्छा मदद करना चाहिए, कोई तो कह दो नहीं करना चाहिए, कोई कहो नहीं करना चाहिए, कोई नहीं कहेगा, सब भारत के सभ्य लोग हैं भाई,
ये भारतवासी का पहचान है मदद करना। क्यों? देखिए बात ऐसा है कि आप किसी का मदद कर रहे हैं तो जिसका आप मदद करेंगे उसका परेशानी आपके ऊपर आ जाएगा। तो आप तय कर लीजिए कि आप जिसका आप मदद कर रहे हैं उसका मुसीबत आपके ऊपर आ जाने वाला है, तो उस मुसीबत से आप लड़ सकते हैं या नहीं। अगर लड़ सकते हैं आप, आपको लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मदद करिए। अगर आप लड़ नहीं सकते उस समस्या से, ठीक है, तो आप मदद ना करें या करें, जी आपका मर्जी, ठीक है। किसी का आप मदद कर रहे हैं जो समस्या मुसीबत आपके ऊपर आया, ठीक है, लेकिन आपके लिए ज्यादा महत्व है मदद करना, वो समस्या आपके लिए महत्व का नहीं है, तो आप बेशक मदद कर दीजिए। लेकिन आप किसी का मदद करते हैं तो वो मुसीबत आपके सामने आता ही आता है। अगर आप उस मुसीबत से बहुत सामर्थ्य है लड़ने में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा जी मुसीबत आ गया। और अगर आप उस मुसीबत से लड़ने में सामर्थ्य नहीं है तो बहुत परेशानी होगा आपको। जैसे आपके खाते में 10,000 रुपये है, आपके दोस्त ने फोन करा, जी मुझे 10,000 रुपये का जरूरत है, दे दो। आपने कहा, बहुत सोचा आपने, फिर दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका मुसीबत था कि उसको पैसे का जरूरत था, लेकिन पैसा था नहीं उसके पास। आपने मदद किया तो उसको पैसे मिल गए, उसका जरूरत पूरा हो गया। पर आपको जब जरूरत तुरंत लगेगा तो आप नहीं, आपका तो जरूरत फिर खत्म हो गया ना, आप उस जरूरत का पूरा कैसे कर पाएंगे? आप जरूरत का पूरा नहीं कर पाएंगे, मतलब उसका मुसीबत आपके ऊपर आ गया। और आपके पास अपराध का पैसा है तो आपको मुसीबत आएगा, लेकिन आप तो उस मुसीबत से बड़े आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि अपराध का पैसा है, ठीक है। तो आप किसी का मदद करते हैं तो उसका मुसीबत आपके ऊपर आ जाएगा। आप फैसला कर लीजिए आप उस मुसीबत से लड़ सकते हैं या नहीं, लड़ पाएंगे या नहीं। आपके लिए महत्व का क्या है, आपके लिए ज्यादा महत्व का मदद करना है या मुसीबत है, आप फैसला कर लीजिए। फिर आप मदद करिए, बेशक मदद करिए, मैं नहीं कहूंगा कि मदद ना करिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मदद नहीं करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आने वाला मुसीबत है उससे आप लड़ पाएंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप आने वाले मुसीबत से तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन आप ये कहते हैं कि जी आने वाला मुसीबत के कारण मैं भले ही खत्म हो जाऊं, लेकिन मदद तो मैं करके रहूंगा, मदद करना मेरा पहचान है, मैं अपना पहचान खत्म नहीं कर सकता, तो आप मदद करिए। हाँ बोलिए, ठीक है, आपकी मर्जी जी, किसका मदद करेंगे नहीं करेंगे। मैंने जो कारण था बता दिया, आप तय कर लीजिए कब मदद आप करेंगे कब नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी फैसला आपका है जी, ठीक है। तो यही कारण है, ठीक है, इसके पीछे एक लंबा कहानी है, वो कहानी सुना करके मैं आपका समय और बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया मदद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मदद करने का सच यही है, ठीक है जी। कोई समस्या किसी को